फाइनली आ गया हूँ मैं अपने तो गाइस ये 1 BHK अब है। मैं लेके चलता हूँ आपको टेरेस पे, तो इस पे होगा क्रीम कलर का पेंट। अगर मैं बात करूँ आसपास तो यहाँ पे भी प्लॉटिंग हो रही है, हर जगह प्लॉटिंग है, ये कंप्लीट प्लॉटिंग हो रखी है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सहस्त्रधारा देहरादून। सो गाइज, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं रुका था यहाँ पे, रात को स्टे किया था हमने होटल सभी होम स्टे में। एंड अभी मतलब धूप आ गई है यार, पीछे का आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, क्या पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, मतलब काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। तो एक बार मैंने कल, मैं रात को रूम टूर सही से नहीं करा पाया था, तो आज एक बार करवा देता हूँ आपको रूम टूर जाने से पहले। टूर के लिए मतलब काफ़ी सारे रूम्स ओपन किए हैं होटल ने, क्योंकि मेरा रूम ऑलरेडी मेसअप में ही है, तो ये मतलब ये मेसअप मैं सामान पैकिंग कर रहा था, तो इस टाइप का रूम है, मैंने आपको वहाँ का व्यू तो दिखाई दिया है। तो बेसिकली इस टाइप के ये होम स्टे है, होम स्टे होटल आप कह सकते हैं, मतलब होम स्टे में मतलब टैक्सेस कम पड़ते हैं तो लोग होम स्टे रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट चलाते होटल की तरह ही है। तो ये आपका एक बेडरूम है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये व्यूज़ हैं। बालकनी इसकी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, बालकनी से देखो क्या व्यू आ रहा है सामने, बहुत मतलब एकदम होम स्टेज पे होम स्टेज बन रहे हैं, बंगले टाइप यार। ये सामने वाला होम स्टे भी बहुत ज़बरदस्त है, एक अंकल और आंटी रन करते हैं, नोएडा गाजियाबाद साइड से हैं वो लोग। बेसिकली यहाँ पे सारे दिल्ली NCR वालों के ही होम स्टे हैं, बिकॉज़ यहाँ के लोग एफोर्ड नहीं कर पाते बनाना, ये सिर्फ अपनी ज़मीन वगैरह बेच देते हैं बाहर वालों को एंड वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इस बाथरूम की बात करूँ तो बाथरूम कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे टॉयलेट गीजर लगा हुआ है एंड ये वॉश बेसिन थोड़ा सा मेंटेन्ड कम रखा है इन्होंने इस बार, कह रहे थे स्टाफ नहीं है यहाँ पे, सीजन टाइम नहीं है। बाथरूम मतलब हर मतलब रूम में अलग अलग साइज में है, बट डिज़ाइन ऑलमोस्ट। अंदर वाले रूम्स भी दिखा देता हूँ एक बार मैं, एक तो ये बेडरूम है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मेंटेन्ड है या नहीं वो तो पता नहीं, यूज़ इसके ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ का बाथरूम कुछ सेपरेट है, काफ़ी बड़ा है, देखो ये वाला बाथरूम बहुत ही बड़ा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो काफ़ी स्पेशियस बाथरूम इन्होंने बनाया है, सिमिलरली आई थिंक इस साइड भी होगा, लेकिन शायद यहाँ का बाथरूम छोटा हो सकता है। ये एक रूम है एंड देखो यहाँ का बाथरूम है, मतलब लंबाई में काफ़ी मतलब स्पेशियस है, तो अच्छा है, मतलब इन्होंने होम स्टे तो बहुत प्यारा बनाया है, होम स्टे बोलूँ या होटल बोलूँ बहुत प्यारा है। तो इस तरीके से बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे। टाइम हो गया मेरे यहाँ से निकलने का, तो मैं एक बार बाहर से भी व्यू दिखा देता हूँ निकलने से पहले। बार ये पार्किंग एरिया यहाँ पे है, गाड़ियाँ आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, थोड़ा पार्क भी है। सामने का होम स्टे भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो मैं बता रहा था आपको ये वाला भी बहुत अच्छा है, इवन इससे बेटर रूम्स मिलेंगे आपको इसमें, एंड आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, 1200-1500 तक का ही रेट पड़ेगा, और ये अंकल जो जा रहे हैं यही चलाते हैं इसको, तो नॉर्मली फैमिलीज के लिए ये वाला बेटर ऑप्शन होगा। एंड यहाँ से आगे आधा किलोमीटर पर सहस्त्रधारा है, पर ये पूरा एरिया ही सहस्त्रधारा है एक्चुअली। सहस्त्रधारा रोड पर जिस होम स्टे में रुका हुआ था, ये है सभी होम स्टे फैमिली रेस्टोरेंट विथ कार पार्किंग, और ये है इसका फ्रंट लुक। इसी के साथ है एक और होम स्टे पीकॉक फीडर, ये दोनों ही होम स्टे बहुत अच्छे हैं जैसे मैंने चेकआउट किए हैं, और जेन्युइन प्राइस पे हैं, अंडर 1000 ही पड़ते हैं दोनों, ये वाला शायद थोड़ा सा 1500 के अंदर में है, ये अंडर 1000 ही पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है ये भी, और डिसेंट रेट पे है, हो सकता है 15 मई के बाद इनकी प्राइस हाई हो सकती है, बट 2000 से ज़्यादा नहीं होगी बिल्कुल कोई से भी। सो गाइज फाइनली निकल चुके हैं सहस्त्रधारा से देहरादून, और मैं जा रहा हूँ देहरादून प्रेम नगर से भी आगे सैला कुएं से पास, जो मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो चेकआउट करना है कि मतलब अभी कितना काम पेंडिंग है, तो वो मेरे को मतलब सेल आउट करना है जल्द से जल्द, तो उसके लिए भी मेरे को वीडियो बनानी होगी, तो पहले देख लेते हैं कितना मतलब घर बन गया है। अभी के लिए इस मंथ के लिए उसकी सेल प्राइस है 35 लाख, लेकिन हाँ अपकमिंग टाइम में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन बन रहे हैं जो घर के बहुत पास है।
फाइनली आ गया हूँ मैं अपने घर के साइड पे, जो ये काम हो रहा है अभी भी पेंडिंग है। कलर का डिसीजन लेना था तो अभी भी मतलब मैं भी कंफ्यूज हूँ, कलर कहाँ से करना है, कितना करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तक ये हमारा जो आस्क प्राइस है इस हाउस के लिए, ये सेपरेट 1RK बना हुआ है, इस पर अभी मॉड्यूलर किचन लगेगा कुछ टाइम में। एंड ये एक 1RK है, सेपरेट बाथरूम बनाया हुआ है एंड सब कुछ इस पर मतलब कंप्लीट वेंटिलेटेड रूम बनाया हुआ है। इधर से भी खिड़की है, इधर से भी खिड़की है, ये मैंने आप एंड एक गाड़ी की यहाँ पे पार्किंग रहेगी स्लाइडिंग डोर के साथ। POP यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर करवाई हुई है एकदम कंप्लीट। एंड इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे किचन है, ये 1BHK है यहाँ पे, तो एक 1BHK और एक 1RK। तो 1BHK का जो किचन है इसमें अभी भी काम होगा, इसका आप देख सकते हैं अभी इस पर कलर वगैरह डिसाइड कर रहे हैं। तो फुली वेंटिलेटेड है, ये रहेगा यहाँ का हॉल एरिया, हॉल का कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो रखा है। तो ये हॉल एंड ये बाथरूम या टॉयलेट एरिया हॉल के लिए। देन हॉल के बाद आता है बेडरूम, आपका मास्टर बेडरूम इस साइड रहेगा, वेंटिलेटेड है और ऊपर के कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो रखे हैं। फिर ये इसका वॉशरूम रहेगा। गाइस अभी ये स्टेयर है, स्टेयर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे काम जो है चल ही रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। फिलहाल मैंने कुछ होल्ड करवाया था कलर डिसाइड करने के लिए, अब मैं लेके चलता हूँ आपको टेरेस पे। तो इस पर होगा क्रीम कलर का पेंट शायद, या कुछ तो पेंट होगा इस पर। इस ये बनाया गया है अभी फ़िलहाल के लिए टेम्प सॉल्यूशन है, ये बेसिकली पानी के टैंक के लिए बनाया गया है। ये कपड़े टांगने के लिए लगाए गए हैं यहाँ से वहाँ। एंड ये है टॉयलेट के लिए, तो कुछ इस तरीके का ये प्रॉपर्टी रहने वाला है। सो गाइज ये मैंने खुद ही कंस्ट्रक्ट करवाया है, अभी के हिसाब से यहाँ पे आस्क प्राइस मैंने 40 लाख तक जा सकता है इस ईयर के एंड तक। हमारा जो टोटल बिल्ड एरिया है 700 स्क्वायर फीट के आसपास का है एंड इसका आस्क प्राइस है 35 लाख। तो करेंटली जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं ही ओनर हूँ, मुझसे ही डायरेक्ट परचेज आप कर सकते हैं। एंड इसका जो थोड़ा बहुत काम रह गया है वो 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा। सो गाइज मैंने अभी मतलब मकान का काम करने के बाद अब मैं आ गया हूँ लंच करने के लिए। लंच करने के लिए मैं रुका हूँ प्रेम नगर से जस्ट पहले ढाबा क्या बोलूँ मैं इसको, ये प्रॉपर एक होटल रेस्टोरेंट है। इनके अंदर मतलब जैसे मतलब आप पहलवान ढाबा देखते हो या बहुत सारी पंजाबी ढाबा आपने देखा है। तो अभी मैं रुका हूँ सिंह दरबार देहरादून प्रेम नगर में। सिंह दरबार में मैं रुका हूँ तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मतलब ये माहौल। तो सबसे पहले आई है लस्सी, काफ़ी सही लग रही है भाई देखने में तो। एंड मैंने लिया है सर चिकन चावल एंड रच्छा पराठा गाइज। सो गाइज फाइनली निकल चुके हैं लंच करने के बाद। अभी एक्चुअली मेरा कुछ काम था, मेरे को यहाँ पे एक CA से मिलने जाना था और वकील से भी मिलने जाना था, तो हमारी मीटिंग फिक्स हुई है कुछ समय के लिए। तो वैसे तो अभी टाइम है तो तब तक हम चलते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, कुछ शॉपिंग करते हैं और जो भी हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है उसके हिसाब से, 4 बजे की अपॉइंटमेंट है तो उसी हिसाब से हम पहुँच जाएंगे। CA फॉर्म में जाने के बाद, CA से मिलने के बाद मेरा काम हो गया है और अब मैं निकल रहा हूँ अपनी दूसरे प्लॉट की तरफ। एक्चुअली वहाँ के कुछ रेट्स रिवीजन होने हैं तो मुझे पता करना था। ये लाल टप्पर है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनने वाला है तो अपकमिंग यहाँ पे काफ़ी सारे बिग प्रोजेक्ट्स हैं तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी का रेट रिविजन होता है। तो हमारे मतलब मेरे को सेल करना था तो मैंने जो पुराना रेट रखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस होने हैं, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। सो गाइज अभी मैं आया हूँ एक अपने मतलब लैंड पे, मेन रोड है, यही है मेन रोड ही है, आगे पे भी ये सामने वाली मेन रोड है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। यहाँ पे ये 100 गज का प्लॉट है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है तो इस वजह से यहाँ पे ये बड़े बड़े पेड़ उगने शुरू हो गए हैं भाई, पेड़ उगे, इनको कटवाना पड़ेगा फटाफट। तो इस साइड बाउंड्री तो डली हुई है, यहाँ से लेके मतलब वहाँ तक इट्स लाइक 20 फीट
एंड 45-47 समथिंग लंबाई है इसकी। तो ये जो प्लॉट है इट विल कॉस्ट यू करंटली, मतलब वैसे तो 18,000 रुपये गज का रेट चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनने वाला है इस लाइन में। सो जो अपकमिंग देहरादून का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे होने वाला है, लाल टप्पर मेट्रो स्टेशन, वो यहाँ पे बनने वाला है एंड उससे काफ़ी नज़दीक हमारा प्लॉट आने वाला है, मतलब काफ़ी नज़दीक होने वाला है। मैं फिर भी सेल प्राइस इसका मैंने 15-16 लाख के आसपास ही रखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ आसपास तो यहाँ पे भी प्लॉटिंग हो रही है, हर जगह प्लॉटिंग है, ये कंप्लीट प्लॉटिंग हो रखी है यहाँ पे, इस साइड भी प्लॉटिंग है, आगे भी बहुत सारे नए नए सेल आउट हुए हैं प्लॉट्स, ये देख सकते हैं आप। सो गाइस, प्लॉट का काम करने के बाद हम आ चुके हैं हरिद्वार में, हर की पौड़ी के सामने, मेरे सामने ही है हर की पौड़ी, आप देख सकते हैं। एंड अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव के लिए। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ गुड़गांव एंड आई होप सो ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है मुंबई का, तो मिलते हैं मुंबई वाले ब्लॉग में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।